बच्चों, आपका हिंदी का चैप्टर है पार्ट 16, वन के मार्ग में। जैसा कि नाम में है, वन यानी कि जंगल के मार्ग में, यानी कि रास्ते में, जंगल के रास्ते में। ये जो आपका पार्ट है, ये तुलसीदास जी ने लिखा है, इनका उनके द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है, और इन पंक्तियों को जो है रामायण महाकाव्य से लिया गया है। आप सभी जानते होंगे, सुना होगा रामायण के बारे में, नहीं भी सुना होगा तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो रामायण महाकाव्य है उसमें जो है श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है कि उन्होंने जो, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने जो है अपने पिता की खातिर, अपने पिता के वचनों की खातिर जो है 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था। उनका विवाह सीता जी से हुआ था। उनके राम जो है 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम जो है सभी भाइयों में सबसे बड़े थे, और उन्होंने जो है, उनके पिता ने उनकी माता को जो है 2 वचन दिए थे, और अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए श्री राम जी जो है 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, ये जो लाइनें इसमें ली गई हैं, ये आपके जो है रामायण महाकाव्य से ली गई हैं। इनको रामायण महाकाव्य सबसे पहले जो है वाल्मीकि जी ने लिखा था। वाल्मीकि जी ने इसे संस्कृत में लिखा था, लेकिन क्योंकि संस्कृत जो है कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है, नहीं उनको पढ़ना आता है, तो इसलिए अलग अलग विद्वानों ने इसे हिंदी में भी लिखा है, और कुछ विद्वानों ने इसे अपनी भाषाओं में भी लिखा है, ताकि जो है सभी लोगों को जो है ये समझ में आ सके, सभी लोग इसे समझ सकें और इसके बारे में जानकारी ले सकें। ऐसे ही जो है तुलसीदास जी थे, तुलसीदास जी ने भी जो है रामायण महाकाव्य को लिखा, और उन्होंने जो है इसका हिंदी में अनुवाद किया, ताकि जो है आप लोग, हम लोग इसको पूरा समाज में जो है इसकी अच्छाइयों के बारे में पता चल सके। तो तुलसीदास जी जो है, तुलसीदास जी ने इसे लिखा है, तो देखें इस पाठ में क्या है। और ये जो पाठ है उस समय का है जब रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के लिए जंगल में गए अपने पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ में। लक्ष्मण जी और सीता जी जो है श्री राम के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, और वन में उन्हें कैसी परिस्थिति का उन्हें सामना करना पड़े, क्या क्या उन्हें परेशानियां हुई, क्या कैसे उनका, कहाँ तो वो महलों में रहते थे, कहाँ उन्हें जो है जंगलों में जाना पड़ा एक साधु की भांति। उनकी जो वेशभूषा थी वो एक साधु की तरह पीले वस्त्रों को धारण किया, उन्होंने भगवे वस्त्र धारण किए और उनको पहन कर जो है वो जंगल में गए। तो वहाँ पर जो है उस समय का तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में जो है तुलसीदास जी ने उनके बारे में बताया है। तो इसमें जो है सबसे पहले आपके कुछ शब्द अर्थ दे रखे हैं, जैसे पुर नगर, पुर का नगर, निकसी निकाली, रघुवीर वधु यानी कि सीता जी, रघुवीर वधु सीता जी, मग रास्ता, डग कदम, सस्की दिखाई दी, भाल मस्तक, कनी बूंदे, पुर होठ, कैतिक कितना, पर्ण कुटी पत्तों की बनी हुई कुटिया, कित कहाँ, तीय पत्नी, चारु सुंदर, चवे गिरना, लड़का लड़का, परिखो प्रतीक्षा करना, घरीब एक घड़ी समय, ठाडे खड़ा होना, पसेऊ पसीना, बयारी हवा, पखारियो धोना, भूभुरी गरम रेत, कंटक कांटे, कंटक कांटे, काढ़ना निकालना, नहा स्वामी या पति, नेहू प्रेम, लखियो देखकर, वारी पानी आंसू, पुरते निकसी रघुबीर, वधुधरी धीर दये, मग में डग देई, झलकी भरी भाल कनी, जलकी पुट सूखी गए, मधुरा धरवे फिर भूजती हैं, चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित है, पिए की लखी आतुरता, पिए की अखियां अति चारु चली, चली जल चवे। ये जो सवैया है, ये जो लाइनें हैं तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई हैं, तुलसीदास जी ने इन लाइनों में कहा है जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास को जा रहे थे, तो रास्ते में जो है जब सीता जी थक जाती हैं और
तब वो जो है राम से कुछ बातें बोलती हैं। और यहाँ पे लिखा है कि पुरते निकसी रघुवीर, यानी कि पुरते निकसी यानी कि रघुवीर जो है पुर से यानी कि अपनी अयोध्या से जो है वो निकले हैं। किसके साथ में? अपनी अयोध्या से, अपने राज्य से। रघुवीर राम जी के लिए लिखा है। श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से निकलते हैं, वधु धरि धीर दए मग में डग दे, यानी कि उनकी वधु उनकी पत्नी सीता नगर से बाहर निकलती हैं, जैसे ही यानी कि उनकी पत्नी सीता जैसे ही नगर से बाहर निकलती हैं, उनके माथे पर झलकी भरी भाल कनी जलगी, उनके माथे पर जो है पसीना चमकने लगा, यानी कि उनके माथे पर जो है पसीने की बूंदें चमकने लगी, क्योंकि वो कभी जंगल में नहीं रही, एक राजा की बेटी थी वो, एक राजा की पत्नी थी वो, तो राजमहल में ही हमेशा रहती थी। तो जैसे ही सीता जी अपने नगर से बाहर निकली, उनके माथे पर जो है पसीने की बूंदें चमकने लगी। पुट सूख ही गए मधुराधर वे, इसके साथ साथ उनके होठ जो है वो भी प्यास से सूखने लगे, यानी कि उनको प्यास जो है लगने लगे। फिर बूझती हैं, फिर वो पूछती हैं, श्री राम से पूछती हैं, चलनो अब कैतिक पन कुटी करी हूँ कित है। वो श्री राम से पूछती हैं कि हमें अब कहाँ बनानी है पर्णकुटी, हमें कितना और चलना है, हमें कितनी दूर और चलना है, और हमें रहने के लिए ठिकाना कहाँ बनाना है, यानी कि पर्णकुटी यानी कि घास फूस की झोपड़ी, जो कच्चे मकान होते हैं उसको पर्णकुटी कहते हैं, यानी कि घास फूस की झोपड़ी, घास फूस की झोपड़ी जो कच्चे मकान गाँव में लोग बनाते हैं, पहले के लोग जो है बनाते थे गाँव में, अभी भी कुछ कुछ देखने को मिल जाते हैं घास फूस की झोपड़ी। तो सीता जी उनसे पूछती हैं श्री राम से कि अब हमें पर्णकुटी कहाँ बनानी है। तिया की लखी आतुरता, पिए की अखियाँ अति चारु चली जल चवे, उनकी इस परेशानी को देखकर रामचंद्र जो है व्याकुल हो जाते हैं और उनकी आँखों से आंसू छलकने लग जाते हैं, उनकी आँखों से आंसू बहने लग जाते। एक बार फिर से देखो, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर धीर दए मग में डग दे, झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख ही गए मधुराधर वे, फिर बूझती हैं चलनों अब कैतिक पर्ण कुटी करीहों कित है, तिये की लखी आतुरता पिए की अखियाँ अति चारु चली जल चवे। यानी कि श्री रामचंद्र जी जो है जैसे ही अपने नगर से निकले, तो उनके साथ में सीता जी जो है उनके साथ आ रही थी, और नगर से बाहर निकलते ही सीता जी के माथे पर जो है पसीना चमकने लगा, और उनके जो होठ हैं वो प्यास से सूखने लगे, और वो अब श्री राम से पूछती हैं कि हमें कितनी दूर और चलना है, हम जो है अपना घर झोपड़ी कहाँ पर बनाएंगे। और जैसे ही श्री रामचंद्र जी उनकी ये बातें सुनते हैं, उनकी आँखों से आंसू छलकने लग जाते हैं, उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सीता जी जो है कभी भी जंगल में नहीं रही थी, इसलिए रामचंद्र जी को जो है श्री राम को जो है बहुत ही दुख होता है कि उनके कारण जो है उनको भी जंगल जंगल में भटकना पड़ रहा है। जल को गए लखनऊ हैं लरिका परिखों पिए छाँह घरीक है ठाडे, पोंछी पसेऊ बयारी करो और उपाय पखारियो भुबुरी ढाडे, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानके बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लखियो पुलको तन बारिश बिलोचन बाढ़े। जल को गए लखनऊ है, जल को गए यानी कि जल यानी कि पानी को, इस लाइनों में लेखक कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जो है पानी लेने गए हैं, लक्ष्मण जी जो है जल को लेने गए हैं, तो लरिको परिखो पिए छाह घरीक है ठाडे। तो सीता जी श्री राम से कहती हैं कि स्वामी आप थक गए होंगे, पोछी पसेऊ बयारी करो और उपाय पखारियो भुबरी ठाडे, अतः पेड़ की छाया में थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तुलसी रघुवीर पियाश्रम जानके बैठे विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को ने लखियो पुलको तनु बारिश विलोचन बाढ़े। श्री रामचंद्र जी से जो है सीता कहती हैं कि आप बहुत थक गए होंगे, आप थोड़ी देर जो है पेड़ की छाया में आराम कर लीजिए। और श्री राम जी जो है उनकी व्याकुलता को देखकर, उनके दुख को देखकर पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ जाते हैं। फिर सीता जी के पैरों से कांटे
निकालने लगते हैं और उनको देखते हुए सीता जी जो है मन ही मन खुश होने लग जाती हैं। बारिश विलोचन उनके जब पैरों से सीता जी के पैरों में जो वो क्योंकि नंगे पैर चल रहे थे और उनके पैरों में जो है कांटे चुभ गए थे, कांटे लगे हुए थे, तो श्री रामचंद्र जी जो है उनके पैरों से उनके कांटे निकालते हैं और ये सब देख कर सीता जी जो है बहुत ही खुश हो रही थी। जब वो लोग रास्ते में जा रहे थे, लक्ष्मण पानी लेने गए, तो सीता जी ने जो है श्री राम से कहा कि आप बहुत थक गए होंगे, थोड़ा पेड़ की छाया में आराम कर लीजिए। और जब सीता और राम पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं तो जो राम जी जो हैं उनके पैरों से, सीता जी के पैरों से कांटे निकालते हैं और सीता जी जो है उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो रही हैं। तो यानी कि इस पाठ का जो सार है, तुलसीदास जी ने तब तक प्रसंग बताया है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए निकले। नगर से थोड़ी दूर निकलते ही सीता जी थक गईं, उनके माथे पर पसीना छलक आया, उनके होंठ सूखने लगे। लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो उस दशा में वह श्री राम से पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए कहती हैं और श्री राम जो है उनको थका हुआ देखकर, उनकी परेशानी को देखकर जो है पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, आराम करने लग जाते हैं और उनके पैरों से कांटे निकालने लग जाते हैं। और इसलिए उनको देख देख कर जो है सीता जी मन ही मन में बहुत खुश होती हैं।